नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वोत्तर के तीन राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने हैं। बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को और नागालैंड में और साथ ही मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी, जिसमें त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और जबकि नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली यानी कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेसिव प्रोग्रेसिव पार्टी है। वहीं मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ पर नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार है। बता दें कि मेघालय के राज्य भर में 13 केंद्र पर सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर कोनराज संगमा की पार्टी में एनपीपी के 22 सीट पर आगे चल रही है। वहीं 5 सीट पर बीजेपी की बढ़त है। मेघालय में 60 विधानसभा सीटों पर बता दें कि कुल वोटिंग हुई थी और इसको लेकर बता दें कि 95.25% की वोटिंग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल सोहिंग्योंग निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार के निधन के बाद से चुनाव स्थगित कर दिया गया था और मेघालय में 12 जिले में मतदान के लिए बता दें कि 3,419 बूथ बनाए गए थे, जिसमें से 640 असुरक्षित और 323 संवेदनशील की श्रेणी में थे। यहाँ पर 21.6 लाख वोटर है और इस बार के चुनाव में कुल 375 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इन प्रत्याशियों में 36 महिलाओं में 399 पुरुष हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी और साथ ही बता दें कांग्रेस ने सभी 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एनपीपी ने बता दें कि 57 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बता दें कि 5 साल गठबंधन की रहने के बाद से बीजेपी ने एनपीपी से नाता तोड़ दिया था और त्रिपुरा में भी सुबह 8 बजे से लगातार वोटिंग और वोट के बाद काउंटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। शुरुआती रुझान जो आपको बता दें वहां पर बीजेपी गठबंधन बहुमत की होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि यहां पर 40 सीटों पर इन गठबंधन को बहुत बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 5 सीट पर लेफ्ट आगे चल रही है। वहीं त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए 16 फरवरी को वोटिंग हुई थी। यहां पर 91.1% मतदान दर्ज किया गया था। राज्य में 60 विधानसभा सीटों पर कुल 249 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी है और इस दौरान चुनाव में बीजेपी और आईपीएफटी के मिलकर चुनाव लड़ा है। बीजेपी की ओर से 55 सीट पर उम्मीदवार मैदान में उतरे तो उसकी सहयोगी पार्टी आईपीएफटी ने बता दी कि 5 सीट पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा कांग्रेस लेफ्ट में सीटों पर समझौता के तहत वाम मोर्चा के 43 सीट और साथ ही कांग्रेस की 13 सीट अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके अलावा कांग्रेस और लेफ्ट ने 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन भी मिला था। वहीं प्रत्योष विक्रम की नई पार्टी टिपरा मोर्चा के राज्य की 60 सीटों में से 42 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। राज्य में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी 28 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए भी काउंटिंग बता दें कि सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान की यहाँ बात करें तो यहाँ पर नेफ्यूडियो के नेतृत्व में एनडीपीपी गठबंधन की बढ़त मिलती हुई दिख रही है और गठबंधन में 34 से ज्यादा सीट आगे चल रही है। पूरी उम्मीद है कि शाम तक नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। नागालैंड में 60 विधानसभा सीट के लिए 27 फरवरी को 39 सीट पर यहां पर चुनाव को लेकर वोटिंग हुए थे। दरअसल जुआन होबाटो के जिले में अकुलतो सीट से बीजेपी प्रत्याशी केझेंतो किनिपी निर्विरोधी चुनाव जीत चुके थे। इसकी वजह से ही यहां पर 143 उम्मीदवार चुनावी मैदान में नजर आए। राज्य में 13 लाख से अधिक मतदाता है यहां पर और इनमें 6.57 लाख पुरुष और 6.39 लाख महिला मतदाता है। यहां पर इस बार बता दें कि 43.63% वोटिंग हुई है। पिछले बार 2018 में 65.62% यहां मतदान हुआ था। अब बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की, जहां पर भारत में मंत्री स्तर की बैठक जारी है। इसी कड़ी में विदेश मंत्रियों की बैठक यहां पर लगातार देखने को मिल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित किया है और कहा है कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ साथ आना होगा। दुनिया में विकास का एक संतुलन बना होगा, वही वन अर्थ वन फैमिली और साथ ही वन फ्यूचर का लक्ष्य रखना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए बड़ा मुद्दा
है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अपनी G20 अध्यक्षता के लिए भारत ने एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम चुनी है। यह उद्देश्य की एकता और कार्रवाई की एकता की आवश्यकता दर्शाता है। मैं आशा करता हूँ कि आज की बैठक सामान्य और ठोस उद्देश्यों से प्राप्त करने के लिए एक साथ आने की संभावना दर्शाती है। बताए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक शासन की संरचना को दो कार्यों के लिए बनाया गया है, वही प्रतिस्पर्धा हितों की संतुलन करने वाले भविष्य के युद्धों को रोकने और साथ ही सामान्य हितों के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। पीएम मोदी ने कहा है कि वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और युद्धों के पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से स्पष्ट है कि वैश्विक शासन अपने दोनों जनादेशों में विफल रहा है। दिल्ली की सियासत में लगातार गर्म नजर आ रही है। बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से बड़ा राजनीतिक बवाल देखने को मिल रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से उन्होंने कर दी है। जो जाकर बता दें कि कहा है उन्होंने कि पीएम इस समय इंदिरा गांधी की तरह अति कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि मेरी हजारों लोगों से बातचीत हुई है, जनता में भारी रोष है, जनता कह रही है कि बीजेपी वाले क्या रहे हैं, जिसको मर्जी जेल में डालते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये रोकना चाहते हैं, जब से पंजाब जीते हैं इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी अंधी नहीं है, ये सब रुकवाने की साजिश है। आम आदमी पार्टी का वक्त जाया किया जा रहा है। हम डोर टू डोर कैंप चलाएंगे और एक जमाने में इंदिरा ने अति कर दिया था, अब प्रधानमंत्री जी ने अति कर दिया है, ऊपर वाला अपना झाड़ू चलाएगा ही। केजरीवाल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि उनके तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया गया है। वे कहते हैं कि इन दोनों मंत्रियों पर देश गर्व करता है। इन दोनों मंत्रियों ने देश के अंदर नाम रोशन किया है। सत्येंद्र जैन ने दुनिया को हेल्थ के मामले में नया मॉडल दिया है। मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूल में कायाकल्प कर दिया है और सभी को ये हैरान कर दिया है। पूरी दुनिया को शिक्षा और मॉडल दिया गया है जिन्होंने नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री जी ने दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति तो बहाना है, सब फर्जी है। पीएम मोदी चाहते हैं कि अच्छे काम को रोका जाए, जो काम हम कर रहे हैं वे नहीं सही है। इनकी जहां पर सरकार है ये स्कूल ठीक नहीं करवा पा रहे हैं, एक अस्पताल ठीक से नहीं चल रहा है, इस वजह से केजरीवाल को रोकने का काम यहां पर किया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही राघवेंद्र की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। उमेश पाल को बचाने के लिए सिपाही की मौके पर मौत हो चुकी थी, एक सिपाही की मौत हो चुकी थी और दूसरे सिपाही की अब मौत हो गई है, तो वहीं अब घायल दूसरे सिपाही बता दें कि PGI हॉस्पिटल में भर्ती थे, इलाज उनका लगातार चल रहा था जिस दौरान इनकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश हत्याकांड में पूरे प्रदेश को झोर कर रख दिया था और इसके बाद से लगातार इसको लेकर सियासत गर्म थी और इस दौरान अब बता दें कि दूसरे सिपाही की भी मौत हो गई है। बता दें कि यह हत्याकांड काफी अद्भुत देखने को मिल रहा था, एक फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था यह हत्याकांड, क्योंकि इतने सारे गनर्स के बीच में जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई थी, उमेश की हत्या की गई थी, कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर भी, क्योंकि राजूपाल हत्याकांड के जो मुख्य गवाह थे बीजेपी के वो उमेश पाल ही थे और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई और इस दौरान आतिक अहमद के दो बेटे को हिरासत में भी लिया गया था। ये हमारे जो उस घटनाक्रम में घायल हुए थे हमारे साथी राघवेंद्र, आज ट्रॉमा सेंटर में हम उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए, डॉक्टर पूरा प्रयास किए और इस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्य किए थे, सर्वोच्च बलिदान दिया। इस बलिदान से उत्तर प्रदेश पुलिस को इस संकल्प को और बल मिला है कि हम माफिया के विरुद्ध जो कार्रवाई हमारी जारी है उसको और मजबूती से और मन लगा के और निष्ठा से करें और जो इसके दोषी हैं उनको कानून के समक्ष शीघ्र से शीघ्र पेश करें।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रणविजय सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। और रणविजय, जिस तरीके से ये उमेश पाल हत्याकांड का ये मामला सामने आया था और इस दौरान पहले एक सिपाही की मौत हो जाना, फिर दूसरे सिपाही की अब मौत हो जाना कहीं ना कहीं, और इतने गनरों के बीच, गनर्स के बीच उमेश पाल की हत्या को अंजाम देना, अब ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है, किस तरीके से इन सिपाहियों का मौत हो जाना इन्वेस्टिगेशन में असर डालता हुआ नजर आएगा। रणविजय जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रयागराज जनपद में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अपराधियों ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया है, और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था और आज भी यहाँ प्रयागराज जनपद में देखा जा रहा है, नहीं पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और उसी हत्याकांड में घायल मौके पर एक सिपाही की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा सिपाही राघवेंद्र, जो जिसे SRN में तत्काल इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी स्थिति सुधार नहीं आ रही थी, उसे तत्काल जो है PGI लखनऊ के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी कल शाम 5 बजे तक उसकी भी मौत हो गई। जी रणविजय, इस मामले को लेकर कितनी की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, और इस मामले में क्योंकि लगातार गिरफ्तारियों का दौर इस मामले में जारी तो था, प्रशासन ये तो कह रही थी जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, वही अतीक अहमद के 2 बेटों को भी हिरासत में लिया गया था, तो अब इसकी गिरफ्तारी का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है और किस तरीके से अब प्रशासन और भी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देगी, कैसे आरोपियों तक मतलब पहुँचती हुई नजर आएगी प्रशासन? ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई जारी है, जिसमें जहां तक सभी मुख्य आरोपियों को भी यहां पर, यहां तक कि एक हत्यारोपी को तत्काल मुठभेड़ में भी गोली से मार गिराया गया है, और उसके बाद अन्य आरोपियों से पुलिस और SDF तार जोड़ते हुए गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रखे हुए है और तेजी के साथ इस पर तत्काल त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। जी शुक्रिया रणविजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और राजूपाल हत्याकांड के जो मुख्य गवाह थे BJP नेता उमेश पाल, उनकी हत्या के बाद से लगातार एक सिपाही की मौत हो गई थी, और साथ ही बता दें कि दूसरे सिपाही की भी मौत हो गई। और बता दें कि इस हत्याकांड को लेकर लगातार बता दें कि प्रशासन जांच पड़ताल में जुटी हुई है, और जिस तरीके से बता दें कि उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद से प्रशासन इस मामले को और भी सख्ती देखते हुए नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको, इस मामले को लेकर रायबरेली में उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह की PGI में इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आने के बाद कोहिरा गाँव पहुंचे परिजनों को सांत्वना देने के लिए पूर्व विधायक और BJP नेता धीरेंद्र बहादुर सिंह पहुंचे थे, और इस दौरान अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। इसमें मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, लेकिन जिस नौजवान की आज मृत्यु हुई है, एक कायरतापूर्ण हमला अपराधियों ने किया है प्रयागराज में, और हमारे सरेनी विधानसभा क्षेत्र का कोरिहरा का रहने वाला नौजवान है, उनके पिताजी पुलिस में थे। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी कायरतापूर्ण हमला जिन लोगों ने किया है उसमें एक भी सदस्य नहीं बचेगा जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ना हो जाए। आज भी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त एक्शन लिया है, और जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है, और एक अपराधी जो उसमें शामिल था वो मारा गया है। गोंडा के सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है, इस दौरान अधिवक्ता समेत 3 लोगों की मौत से कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि यह कार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी थी, जिसमें 5 लोगों घायल हो गए थे, 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई है, 2 लोगों का अभी तक इलाज चल रहा है। लखनऊ से शादी समारोह से ये लोग लौट रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ है। आगरा में कलयुगी बेटे ने मां के सिर पर पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया था। बता दें कि दरअसल लॉकर की चाबी न देने पर बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा, साथ ही मां को कमरे में बंद कर पत्थर से हमला कर मौत के घाट उतारा था। बता दें कि मां को मारने के बाद बेटे ने वीडियो बनाकर घटना की जानकारी पुलिस को दी, और पुलिस आरोपी बता दें कि तलाश पर लगातार जुटी हुई है, और बदमाश जो बेटा है, कलयुगी बेटा, वो फरार चल रहा है, लगातार उसकी तलाश में पुलिस जुटी है, और साथ ही ये क्या पूरा मामला क्या कुछ है इसको लेकर भी प्रशासन लगातार जांच पड़ताल करती नजर आ रही है।
देखिए जगनेर में आज एक बेटे ने जिसका नाम सेवा में उम्र इसकी 28 वर्ष है, इसने अपने माँ के सर पर पत्थर मारकर उसे मृत्यु कैद कर दिया। और इस संबंध में चूंकि घर पर कोई था नहीं, उसका बेटा और माँ दोनों ही लोग थे, और ये घटना लगभग 4 से 6 बजे की है, क्योंकि जिनके पिता हैं वो सीमेंट के कारोबारी हैं और मीटिंग के संबंध में आगरा गए हुए थे। वहाँ से उन्होंने जब 6 बजे कॉल किया तो उसी फ़ोन तो घंटी जा रही थी लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था। उन्होंने पड़ोसी को फ़ोन किया, पड़ोसी ने जब बताया कि कमरा बाहर से ताला लग रहा है, तब ताला तोड़ कर देखा गया तो वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी अंदर। अमेठी में दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है, वहीं परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। इस दौरान परिजन लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं, साथ ही सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह भी मौजूद नजर आए। परिजन धरने पर बैठे थे यहाँ पे सौ रख करके, क्या मामला है विधायक जी? परिजनों की कुछ मांग थी शासन और प्रशासन दोनों से, और जिसका आश्वासन दिया गया है उसके लिए एक समय सीमा भी तय की गई है। उस समय सीमा तक उस मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो परिजन परिवार के साथ तो मैं पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी खड़ा रहेगा। जी सर, सबका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे क्या? सर आप लोग मालूम है कि यहाँ घटना हो गई थी, साधु जी और उसके पति जी मर्डर हो गया और सारी कार्रवाई हो गई थी, लेकिन घर के लोगों की मांग यह है कि अपने परिवार को लाइसेंस दिया जाए, स्वस्थ लाइसेंस। श्रावसी में देर शाम सड़क पर हाहाकार मच गया। बता दें कि दरअसल यहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस दौरान गन्ने से लोड वाहन ने बुजुर्ग को रौंदते हुए नजर आई है, जिससे बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई और साथ ही जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं ये मामला नवीन मॉडल थाना श्रावसी के पेट्रोल पंप के पास की घटना बताई जा रही है। झांसी में गरोठा की ओर से मौरानीपुर की तरफ से दो बाइक सवार ट्रैक्टर को जोरदार भिड़ंत होने का ये मामला सामने आया है, जहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं बाइक सवार। और बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति घायल हुए हैं वो निवासी ठिपकई खेमचंद्र और भूपेंद्र है। मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस और गरोठा पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल नजदीक स्वास्थ्य केंद्र गरोठा भेजा था, जहां पर चिकित्सकों ने भूपेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं खेमचंद की हालत खराब देखते हुए झांसी जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। वहीं ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को गरोठा कोतवाली पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर कोतवाली में खड़ा कर दिया है। झांसी में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर उसका शारीरिक शोषण किया गया है, साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर बदनाम करने की धमकी दी गई है। वहीं पीड़ित थाने पहुंचे हैं लेकिन पुलिस उनकी फरियाद नहीं सुन रही है, जिससे पीड़ित अपने अब झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंचे ये पीड़ित मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर जिले के रहने वाले हैं। पीड़ित की झांसी एसएसपी से शिकायत करने हुए बताया है कि वे अनुसूचित जाति से है, वे इंटरमीडिएट की छात्रा है, पृथ्वीपुर में रहकर वे पढ़ाई और कोचिंग करती है। पीड़ित का आरोप है कि उसे जाति प्रमाण पत्र बनवाया था जिसके लिए उसकी पृथ्वीपुर में रहने वाले एक युवक से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान जाति प्रमाण पत्र बनवाने का भरोसा दिया था, इसके लिए उसने उस जाति प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज भी लिए हैं और मतलब नशे में कर देते और भी लोग रहते मतलब, तो लेकिन हमें पता नहीं कौन कौन क्या मतलब नशे में कुछ पता नहीं रहता था, और तब तकलीफ हुई तो हमने बोला मतलब उससे, तो बोले लगा कि तुम्हें जो करना है कर लेना हमारा, मतलब धमकी भी दे रहा था, कहता अगर कुछ भी तुमने मुँह खोला तो तुम्हारे घर वालों को भी जान से मार दे, तुम्हारे भैया को भी मार दे, सब लोगों को। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।